हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ खोए की गुजिया, जो मैंने दिवाली पर बनाई थी और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी और मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक कटोरी मैदा ली है और अब मैंने एक बड़ा चम्मच इसमें घी डाला है। आप चाहें तो इसमें रिफाइंड ऑयल भी घी की जगह यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने इसमें घी यूज़ किया है। इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो अब इसे घी को अच्छे से हम मिक्स करेंगे मैदा में। जितना अच्छे से मिक्स होगा उतनी अच्छी बनेंगी गुजिया। अब हम इस तरह से मुट्ठी में लेकर इसे चेक करेंगे। ये अगर इस तरह से बन रहा है तो इसका मतलब ये गूथने के लिए रेडी है और अच्छे से मिक्स भी हो गया है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। एक साथ आप पानी मत डालिएगा, तो थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और सॉफ्ट मुलायम मैदा गूँथ कर रखेंगे इसको। इसे हम एकदम सॉफ्ट तरीके से गूँथ लेंगे अच्छे से। जितना ही सॉफ्ट आटा ये रेडी होगा उतनी अच्छी परफेक्ट गुजिया बनकर तैयार होंगी। तो गुजिया का मैदा रेडी हो चुका है, तो उसे हम एक साइड रख देंगे और एक बाउल में हम खोया निकाल लेंगे, खोया मावा। और अब इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे, क्योंकि ये घर का बना खोया है और इसे मैंने फ्रिज में रख दिया था तो ये थोड़ा सा हार्ड हो गया। तो और ये एकदम फ्रेश है, तो हम इसे अच्छे से चम्मच से अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब मैंने इसमें आधी कटोरी पिसी हुई चीनी डाली है और आधी कटोरी इसमें कोकोनट पाउडर डाला है और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स कट करके डाले हैं और इलायची पाउडर इसमें डाला है और चिरौंजी डाली हैं। इन सबको डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे पूरे। और मुझे ये ज़्यादा गुजिया मुझे ज़्यादा मीठी पसंद नहीं है, तो मैंने चीनी इसमें ज़्यादा नहीं डाली है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो इसमें आप चीनी का पाउडर और भी ज़्यादा डाल सकते हैं, पर मुझे नहीं पसंद है तो मैंने कम डाली है। गुजिया की फिलिंग्स रेडी हो गई है, तो हम उसे अब एक साइड रख देंगे और इधर मैं मैदा लेके उसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लूँगी गुजिया बनाने के लिए। तो इस तरह से एक एक करके छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे। ये बनके तैयार हो चुकी हैं, तो अब हम इनका एक एक करके इनको बेलेंगे गुजिया बनाने के लिए। और इस तरह से हम लोग एक एक करके पतली पतली बेल लेंगे पूड़ियों के शेप में, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला, मीडियम साइज़ में ही बेलना है हमको। तो अगर ज़्यादा मोटा आप बेलेंगे तो अंदर से गुजिया कच्ची रह जाएगी, और अगर चौकी में आपकी चिपक रहा है आटा तो आप ना ऑयल लगा लीजिए, ऑयल से बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। और ये देखिए बनकर तैयार हो चुकी है। तो मेरे पास साँचा था गुजिया का, तो मैं उसी में बनाऊंगी। तो इस तरह से हम एक एक करके सारी अपनी गुजिया बना लेंगे इस तरह से, साँचे के ऊपर पूरे कवर करके इसको, और इसके चारों तरफ हम पानी लगा देंगे जिससे कि आपस में चिपक जाए अच्छे से। और जो फिलिंग हमने रेडी करके रखी थी खोए की, वो इसमें हम इस भर देंगे। ज़्यादा ओवर नहीं भरना है, नहीं तो ये फ्राई करते टाइम फट जाएंगी, तो आप थोड़ा कम ही रखिएगा इसमें फिलिंग्स। तो इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे और गुजिया का शेप दे देंगे ये इस तरह से, और हल्का सा प्रेस करके इसको दबा के इसका बाहर का जो पार्ट है वो निकाल देंगे ये इस तरह से। और खोल कर हम देखेंगे अंदर कैसी बनी है। तो हल्के हाथों से आप दबा के इसको खोलिएगा, ये आराम से निकल जाएगी। तो ये देखिए बनके तैयार हो गई है पहली गुजिया। तो ये आराम से आप इसको निकालिए, नहीं तो फट भी सकती है। अब एक एक करके सारी गुजिया हम बना कर रख लेंगे साइड में। और यहाँ मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है, रिफाइंड ऑयल है। और ये देखिए सारी गुजिया बनकर रेडी हो चुकी हैं। तो हम तेल को ना ज़्यादा मीडियम ना ज़्यादा हाई फ्लेम पर रखेंगे, और जब हल्का तेल गर्म हो जाएगा तब हम इसको मीडियम आंच पर सेक लेंगे। गुजिया को एक एक करके कढ़ाई में डाल दी है मैंने, और मीडियम आंच पे ही सेकेंगे इसको। अगर हाई फ्लेम पर रखेंगे तो ये ज़्यादा ऊपर से ही पक जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी, और धीमी आंच पर रखने से ये फट भी जाएंगी गुजिया, तो सारा खोया इसका बाहर आ जाएगा।
तो आप नॉर्मल टेम्परेचर पे ही इसको ऐसे सेकिएगा। तो अब इसको ज़्यादा नहीं चलाना है, धीमे से ही इसको चलाना, नहीं तो ये फट भी सकती है। आप एक एक करके ऐसे इसको सेकते जाइए और हल्का लाइट ब्राउन कलर आने पे आप इसको निकाल लीजिएगा बाहर। हमारे यहाँ कोई भी त्यौहार होता है तो गुजिया ज़रूर बनती है, होली दीपावली। तो मेरा मन भी हुआ इस बार दीपावली पे गुजिया बनाने का, तो मैंने सोचा आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर दूँगी इसकी। और आप लोगों ने क्या बनाया इस बार दिवाली पर, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट रेसिपी आप क्या देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। तो गुजिया का लाइट ब्राउन कलर देखिए आ गया है, तो हम अब इस स्टेज पे एक एक करके गुजिया अपनी निकाल लेंगे, नहीं तो ओवर कुक हो जाएंगी तो ये फट जाएंगी। तो एक एक करके मैं यहाँ पे सारी गुजिया अपनी निकाल रही हूँ। और ये एकदम से निकाल कर खाने लायक नहीं होती हैं, क्योंकि अंदर का खोया इसका एकदम गर्म होता है तो वो जल भी सकता है। तो आप इसे थोड़ा ठंडा होने दीजिए, उसके बाद आराम से खाइएगा। और ये जो दूसरी बची हुई गुजिया थी वो भी मैं इसमें एक एक करके डाल दूँगी सारी। और धीरे धीरे से इसके ऊपर ऑयल ऐसे करके हम लोग इसे चला देंगे, जिससे कि फटे ना। और एकदम से हम इसे पलट देंगे तो ये फट जाएगी और खोया सारा बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से हम एक एक गुजिया धीरे धीरे से पलट देंगे, दोनों तरफ अच्छे से सिक जाएंगी। और फ्लेम को मीडियम में ही रखना है, ज़्यादा हाई भी नहीं करना है, ज़्यादा लो भी नहीं करना है। तो ये देखिए एक एक करके सारी गुजिया मैंने पलट दी है, दोनों तरफ अच्छा कलर आ जाएगा, लाइट ब्राउन कलर। तो इसका मतलब गुजिया हमारी सिक गई है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है, तो ये अंदर से भी पूरी पक गई है। तो अब देखिए फूल कर ये कितनी बड़ी हो गई है गुजिया, इसका मतलब ये अंदर से पूरी ही पक चुकी हैं अच्छे से। और तो अब हम इस स्टेज में इन गुजिया को निकाल लेंगे बाहर। तो ये देखिए सारी गुजिया अच्छी बन चुकी हैं, देखने में कितना अच्छा कलर लग रहा है। और खाने में भी गुजिया बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, आप लोग भी अपने घर पे ज़रूर ये ट्राई करिएगा बनाकर, बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद आएगी। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।